पन्ना से बड़ी खबर आपको बता दें, दूषित भोजन खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए हैं। दूषित मिड डे मील खाने से ये बच्चे बीमार हुए हैं। 15 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। विक्रमपुर के शासकीय माध्यमिक शाला की घटना है, अमानगंज थाना क्षेत्र का मामला है। अमित खरे जुड़ चुके हमारे साथ। अमित, क्या लापरवाही हुई है, 40 बच्चे बीमार हो गए हैं, 3 बच्चों की स्थिति गंभीर है। देखिए, ये अमानगंज के शासकीय माध्यमिक शाला विक्रमपुर का मामला है, जहां पर बच्चों ने प्रतिदिन की भांति मिड डे मील खाया और खाते ही करीब उनको 10 मिनट बाद उल्टी चक्कर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। तो आनंद फानंद में 108 एम्बुलेंस इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ पे 15 बच्चों को भर्ती कराया गया। हालांकि 3 बच्चों की हालत इसमें गंभीर है और उनको पन्ना के जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है, लेकिन शिशु रोग विशेषज्ञ जो प्रदीप गुप्ता है, उनसे हमारी जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हालांकि बच्चे की स्थिति अब पहले से सुधार है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हालांकि फूड विभाग की टीम ने मौके से सैंपल को कुछ गेहूं के आटे में बदबू की शिकायत बच्चों ने पहले भी की थी, तो उसका सैंपल फूड अधिकारी ने ले लिया है और जांच उपरांत सागर भेजा गया है और जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इसमें था क्या कि जिसके कारण ये बच्चे बीमार पड़े हैं। जी ठीक है, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।